जिले में दो दिन से जारी झमाझम बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और लगातार जारी बारिश से गुनघुट्टा डैम लबालब भर गया है, जिसके बाद डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और लोगों से उफनती नदी और नालों को पार नहीं करने की चेतावनी दी। प्रदेश भर में जहां हाई अलर्ट जारी किया है, वहां सरगुजा जिले में भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सरगुजा जिले की हालात की बात करें तो जुलाई महीने में सूखा यहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन अगस्त के शुरुआत होने से ही झमाझम बारिश से एक तरफ किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं नदी नाले 2 दिनों के बारिश में उफान पर है। मैं इस वक्त गुनघुट्टा डैम पर मौजूद हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख लीजिए कि यहाँ 8 गेट हैं, लेकिन लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से 3 गेट को यहाँ खोल दिया गया है और प्रशासन भी अलर्ट में है ताकि किसी भी तरह का जो अनहोनी हो उसे रोका जा सके। लेकिन जिस तरह से 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उससे एक तरफ किसानों के चेहरे में खुशी है तो दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर हैं। श्रवण महंत, न्यूज 18, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। रायपुर में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बारिश की वजह से भर गया पानी। गुड़ियारी रेल ओवर ब्रिज के नीचे भी पानी भरा हुआ है और रायपुर शहर के कई इलाकों में ऐसे पानी भर जाने की वजह से राहगीरों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बीते रात से ही झमाझम बारिश का जो दौर है वो जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी रायपुर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के गुड़ियारी अंडरब्रिज के पास और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस अंडरब्रिज के पास घुटनों तक जो है पूरा पानी भरा हुआ है। वहीं कई गाड़ियां भी पानी भरी होने की वजह से फंस चुकी है। तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा होगा, ये दूसरी गाड़ी है जो अंडरब्रिज के पास जो है फंसी हुई है। इससे पहले ही एक गाड़ी जो है 4 घंटे तक यहाँ फंसी रही, जिसे लोगों की मदद के द्वारा जो है वो बाहर निकाला गया है। वहीं हर साल राजधानी रायपुर में जलभराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। नगर निगम की तरफ से जलभराव की समस्याओं को लेकर, इसके निजात को लेकर तमाम तरह के जो है दावे किए जाते हैं, लेकिन हर बार नगर निगम के ये जो दावे हैं वो खोखले साबित होते हैं। वहीं इस साल नगर निगम के द्वारा 80% जलभराव की समस्या को खत्म करने का जो है वो दावा किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर आप खुद देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर के कई इलाकों में ये जलभराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है और अभी तक इस समस्या का पूरी तरह से निराकरण जो है वो नहीं हो पाया। न केवल राजधानी रायपुर की गुढ़ियारी बल्कि राजधानी रायपुर के कुशालपुर की मैं बात करूं, जस्सम चौक की मैं बात करूं, तो यहां पर भी बीते रात से हो रही बारिश से पानी जो है पूरी तरह से वो भर चुका है। वहीं अंडरब्रिज के पास पानी भरे होने से लोगों को आवाजाही में भी जो है काफी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। आखिर ये देखने वाली बात होगी कि नगर निगम के जलभराव की समस्या का निजात आखिर नगर निगम कब तक कर पाता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैसी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18, छत्तीसगढ़, रायपुर।